जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके साथ आज मैं चैप्टर 4 का टेक्स्ट 23 शेयर करना चाहूंगा। तो श्लोक कुछ ऐसे हैं, द वर्क ऑफ अ मैन हु इज अनअटैच्ड टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड हु इज फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मर्जेस एंटायरली इन ट्रांसेंडेंस। आइए अब हिंदी में पढ़ते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण इसमें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य ना तो सात्विक गुण से अटैच होके, ना तो राजसिक गुण से, ना तो तामसिक गुण से अटैच होके, अपने कर्मों को ड्यूटी समझ के फलों की इच्छा का त्याग करके जब करता है, तो उसके सारे कर्म क्या बन जाते हैं? दिव्य बन जाते हैं। उसके सारे कर्म भक्ति बन जाते हैं और वो डिवाइन अकाउंट की तरफ उसको लेके जाते हैं। अब हमारे दो अकाउंट होते हैं, एक कार्मिक अकाउंट और एक डिवाइन अकाउंट। जब हम साकाम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पाप हो या पुण्य हो, तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट को बड़ा करता है, जिसका मतलब है कि हम जीवन मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। जब हम दिव्य कर्म करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो डिवाइन होते हैं, डिविनिटी की तरफ लेके जाते हैं, भगवान के धाम की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि अगर हम लोग सच में मुक्ति चाहते हैं तो अल्टीमेटली हमें अपने कर्मों को दिव्य करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।